छत्तीसगढ़ में आज विष्णु साय कैबिनेट की बैठक हुई है जो कि अब खत्म हो चुकी। बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि आज कैबिनेट बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने जानकारी देते हुए बताया है कि तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठन करने का निर्णय बैठक में लिया गया है और टाइगर रिजर्व में काम करने के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी ने अतिरिक्त प्रोजेक्ट प्राप्त होगा और साथ ही टाइगर रिजर्व से राज्य में पर्यटक भी बढ़ेगा। एमसीबी कोरिया सूरजपुर बलरामपुर क्षेत्र में तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठन करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, पर्यटन की दृष्टि से ये फैसला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। टाइगर रिजर्व का गठन किया जाएगा जिसके बाद पर्यटन के संभावनाएं भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो वही बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आज डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जहां इमरजेंसी के समय जेल गए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए घोषणाएं की गई है, साथ ही निधन के अंत्येष्टि के लिए 8 से 10 हजार रुपए की व्यवस्था की गई है और राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकालने के लिए सरकार फैसला ले रही है। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहन कैबिनेट की बैठक में पेपरलेस होगी और ई कैबिनेट शुरू करने का प्रस्ताव भी लगाया गया था जिस पर मोहर लग गई है और साथ ही गवर्नेंस सिस्टम को लागू किया जाएगा। वहीं प्रदेश के सभी आदिवासी छात्रावासों में सुविधा और सुविधाओं को लेकर अधिकारियों की टीम बनाई जाएगी और अधिकारियों की रिपोर्ट में आधार पर सरकार सुधार के लिए फंड भी देगी। ई कैबिनेट, इसमें हम पेपरलेस व्यवस्था चाह रहे हैं। पेपरलेस व्यवस्था मतलब समझ लीजिए कि यह ग्रीन स्टेट की तरफ बढ़ता हुआ हमारा एक कदम है। कागज का उपयोग कम से कम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ई कैबिनेट प्रणाली के अंतर्गत हमने थोड़ा सा शासन के जो कार्य नियम है उसमें संशोधन किया है।